यदि स्वीकारी परदेश सभ्यता, वेदांतों पर कौन चलेगा? कैद रहे तुम स्वार्थ में तो सीमांतों पर कौन चलेगा? कैद रहे तुम स्वार्थ में तो सीमांतों पर कौन चलेगा? तुम अपने पद चिन्हों को यदि उचित रूप ना दे पाए तो तुम्हारे अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कौन चलेगा? अच्छो भी इस देश में करेगा द्रोहिता की बात, कपड़ों से पटक पटक फींच लेंगे हम, कपड़ों से पटक पटक फींच लेंगे हम, और बोलेगा जो अपशब्द माता भारती के लिए कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे। जय हो। संघर्षों के शिलाखंड पर डटकर चढ़ने आए हैं, राष्ट्र प्रेम हो सर्वप्रथम मस्तक पर गढ़ने आए हैं, बुद्धिमान और विद्यमान दोनों ही लोग सुने मन से, लंबी दूरी तय करके हम कविता पढ़े। वाह 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 वाह। तकलीफें चाहे जितनी हो, चाहे जितनी हो पीड़ाएं, तकलीफें चाहे जितनी हो, चाहे जितनी हो पीड़ाएं, लेकिन किसी देशद्रोही का मैं पदबंधन नहीं करूंगा। अपने सुख के लिए देश की गरिमा को बेचा हो जिसने, ऐसे किसी व्यक्ति को मस्तक का में चंदन। जय हो, हर हर महादेव। वाह वाह वाह। ऐसे तेवर को जीने वाले स्वतंत्रता संग्राम के महानायक श्रद्धेय चंद्रशेखर आजाद जी की शहीद दिवस पर जो आज का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। दादा, चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है कि यहां पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं, यहां पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं, यहां बंदी ग्रह में स्वयं भगवान श्याम जन्मे हैं, मेरी धरती को पापी दानवों से मुक्त करने को अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे। जय श्री राम। अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। भगवान श्री राम पर तमाम प्रश्न उठाए गए। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, मंच का विशेष आशीर्वाद चाहता हूं। राम पशु था पर भी राम से हो अनभिज्ञ, राम ना जपे तो सांस लेना किस काम का। राम पशु था पर भी राम से हो अनभिज्ञ, राम ना जपे तो सांस लेना किस काम का। राम एक नाम जो है सबका मुकाम मुनि, समय विराम और अंतिम प्रणाम का, समय विराम और अंतिम प्रणाम का। राम यीशु अखिलेश परमेश माने विश्व, अब ध्यान करो जरा राम संग राम का, अब ध्यान करो जरा राम संग राम का। राम है महान ये जहान माने परिज्ञान, रोम रोम कृतज्ञ है प्रभु श्री राम का, रोम रोम कृतज्ञ है प्रभु श्री राम का। मेरे युवा भाई उपस्थित हैं, इनको चार पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। जाने क्या हुआ है मुनि मेरे दिव्य भारत को, पढ़ता ना कोई आज प्रेम की कहानियां। जाने क्या हुआ है मुनि मेरे दिव्य भारत को, पढ़ता ना कोई आज प्रेम की कहानियां। राम से तू पंचवटी भूले चित्रकूट, हम देखने को जा रहे गुलामी की निशानियां, देखने को जा रहे गुलामी की निशानियां। और जिस धूर्तता ने किया हमको गुलाम, हम उसी धूर्तता की चाहते मेहरबानियां। पावन पवित्र इस भूमि पर कहीं नहीं, राम जैसे राजा और सीता जैसी रानियां। वाह 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 वाह। राम जैसे राजा और सीता जैसी रानियां। एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। भगवान राम के मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ हो ही जाएगा, भगवान राम तो इस धरा पर अवतरित हो ही जाएंगे, लेकिन दादा एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहाँ से आएगी? जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहाँ से आएगी? धर्म की अब वो ध्वजा कहाँ से आएगी? अपराधियों को जब सांसद बनाओगे तो विक्रम से न्याय की सजा कहाँ से आएगी? ये बढ़िया हो गया। विक्रम से न्याय की सजा कहाँ से आएगी? अब पर्वतों को जिसमें उखाड़ने की ताकत हो, हनुमान वाली वो भुजा कहाँ से आएगी? हनुमान वाली वो भुजा कहाँ से आएगी? और राम लेंगे जन्म, राम मंदिर बनेगा, पर त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहाँ से आए? वाह वाह। एक बार दोनों हाथ उठाकर इस भाई के सम्मान में जय। त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहाँ? जय हो भैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये हनुमान गढ़ी के पंडा हैं, समझ लो।
दादा ने बहुत अच्छी एक बात की। दादा चार पंक्तियां तब खड़ी करना चाहता हूं या मेरे युवा भाई उपस्थित होंगे। यद स्वीकारी परदेश सभ्यता तो वेदांतों पर कौन चलेगा? यद स्वीकारी परदेश सभ्यता वेदांतों पर कौन चलेगा? कैद रहे तुम स्वार्थ में तो सीमांतों पर कौन चलेगा? कैद रहे तुम स्वार्थ में तो सीमांतों पर कौन चलेगा? तुम अपने पद चिन्हों को यदि उचित रूप ना दे पाए तो तुम्हारे अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कौन चलेगा? जय हो। तुम्हारे अपने आदर्शों बढ़िया 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 अरे अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कौन चलेगा? ये कवि सम्मेलन करने की आवश्यकताएं क्यों पड़ती है? अगर हर आदमी इस देश का खुद ही सुधर जाए तो फिर मां भारती का पुष्प कभी मुरझा नहीं सकता। अगर हर आदमी इस देश का खुद ही सुधर जाए तो फिर मां भारती का पुष्प कभी मुरझा नहीं सकता। मगर जो दूसरों के ज्ञान देने पर भी ना समझे उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता। जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता। तो चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। माता भारती को खुले मंच के माध्यम से अपशब्द कहा जाता है, उनको गाली देने का काम किया जाता है और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा यश भारती जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सही बात। उनका जवाब देते हुए ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं तो कहीं जेएनयू से आवाजें आने लगती हैं, तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपके कुकर्म देख आंखें मीच लेंगे हम। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपके कुकर्म देख आंखें मीच लेंगे हम। मुनि माता भारती के हम लाडले सपूत, रक्त दे के सूखी क्यारियों को सींच लेंगे हम। रक्त दे के सूखी क्यारियों को सींच लेंगे हम। और जो भी इस देश में करेगा द्रोहिता की बात, कपड़ों सा पटक पटक फींच लेंगे हम। कपड़ों सा पटक पटक फींच लेंगे हम। और बोलेगा जो अपशब्द माता भारती के लिए, कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे। जय हो। वाह वाह। कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम। वीर रस के तेवर के जितने भी वाणी पुत्र हैं उन पर एक धब्बा लगाया गया, उस धब्बे को दादा धोने का काम कर रहा हूं। बिल्कुल। आरोपों का एक पिटारा हम पर फोड़ा जाता है। आरोपों का एक पिटारा हम पर फोड़ा जाता है, व्यर्थ की चीख पुकारों से भी नाता जोड़ा जाता है। खुद चाहे कुछ भी कहले कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद चाहे कुछ भी कहले कोई फर्क नहीं पड़ता। लज्जा पर लज्जा भी सहले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे सब कह देते हैं हम चिल्लाने वाले हैं, हम तो केवल मातृभूमि की पीड़ा गाने वाले। जय हो जय हो जय हो। हम तो केवल मातृभूमि की पीड़ा गाने वाले हैं। ओजस्वी तेवर से हम पर्वत भी उबला करते हैं, ओजस्वी तेवर से हम पर्वत भी उबला करते हैं। शब्दों के विस्वाणों से दुश्मन भी उछला करते हैं, शब्दों के विस्वाणों से दुश्मन भी उछला करते हैं। ओज वही चरणामृत पीकर वीर यहाँ पर अमर हुए, सेना में ओज दहकता है जिसके कारण हम निडर हुए, जिसके कारण हम निडर हुए। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ। पूज्य दद्दू वंश पर विराजमान है, इनके चरणों को स्पर्श करते हुए ये वीर रस के जितने भी कवि हैं देश भर में उन तक पहुंचेंगी पंक्तियां कि ओज मई चरणामृत पीकर वीर यहाँ पर अमर हुए, सेना में ओज दहकता है जिसके कारण हम निडर हुए। देश बदल देने की क्षमता है ओजस्वी सरता में, एक नया संदेश छिपा होता है उनकी कविता में। वाह। एक नया संदेश छिपा होता है उनकी कविता। हम चीख चीख कर न गाते तो लक्ष्य सफल हो पाते क्या? हम चीख चीख कर न गाते तो लक्ष्य सफल हो पाते क्या? इस मातृभूमि के असंभाव्य प्रायोजन हल हो पाते क्या? आवश्यक जो भी था वो मुद्दा बनवाया है हमने, आवश्यक जो भी था वो मुद्दा बनवाया है हमने, आवश्यक जो भी था वो मुद्दा बनवाया है हमने। निर्भय होकर पशुधा की पीड़ा को गाया है हमने। अरे जिनको भेद नहीं मालूम हो खाई और पहाड़ों में, वे अंतर क्या समझेंगे हम सिंहों की दहाड़ों में। वे अंतर क्या समझेंगे हम सिंहों की दहाड़ों में। दहाड़ अगर ये ना होती, दहाड़ अगर ये ना होती वो तुमको पाट रहे होते, दहाड़ अगर ये ना होती वो तुमको पाट रहे होते। धर्म शास्त्र के वृक्षों की हर शाखा छाट रहे होते, नन्ने नन्ने शिशुओं की हर गोटी बांट रहे होते, न
नन्हे नन्हे शिशुओं की हर बोटी बांट रहे होते और तुम्हारी गतिविधियों पर तुमको डांट रहे होते, पौरुष अगर नहीं होता तो तलवे चाट रहे होते, काला पानी जैसा कारा बास काट रहे होते। जय हो। काला पानी जैसा कारा बास काट रहे होते। मंच पर वाणी पुत्र उपस्थित है, कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। कवियों से मेरा निवेदन है, अपना कर्तव्य निभाए हम। केवल हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। कवियों से मेरा निवेदन है, कवियों से मेरा निवेदन है, अपना कर्तव्य निभाए हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाए हम। अरे जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवार रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब जब भी संकट आया है माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है, यशस्वी भव। माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। कुछ अपनी कमियों को पढ़ने का काम करता हूँ। हम उदासीन ना होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। हम उदासीन ना होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। अपने देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने। सत्ता जिनके हाथों में थी मक्कारी की मक्कारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा हमने अपनी औलादों को। हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। भारत माता की। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर एक श्रेष्ठ कविता, एक बार चंद्रशेखर आजाद को नमन करें। आप बोलिएगा अमर रहे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भारत माता की। पढ़ो पढ़ो। माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। हम उदासीन ना होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। अपने इस देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने। सत्ता जिनके हाथों में थी मक्कारी की मक्कारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा हमने अपनी औलादों को। हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, तो अंग्रेजों को असर दिखा देते भारत के पानी का। हम 47 के पहले ही भारत आजाद करा लेते, उन घोरों से अपने घर का पानी हम उन्हें भरा लेते। जय कमाल कर रहे हो। उन घोरों से अपने घर का पानी हम उन्हें भरा लेते, उन घोरों से अपने घर का पानी हम उन्हें भरा लेते। अरे जिन भोग विलासों के कारण, जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना यह देश गुलाम हुआ। जब किया आक्रमण बाबर ने हम सब मस्ती में डूबे थे, जब किया आक्रमण बाबर ने हम सब मस्ती में डूबे थे। पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे सूबे थे, पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे सूबे थे। हम जिन्हें लगाया करते थे अपने नगरों की गद्दी में, वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में। वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में। अरे वे क्या समझेंगे सच्चाई जिनका दिमाग है फिरा हुआ, वे क्या समझेंगे सच्चाई जिनका दिमाग है फिरा हुआ। नापाक पाक नेपाल चीन इन सबसे भारत घिरा हुआ, नापाक पाक नेपाल चीन इन सबसे भारत घिरा हुआ। अपना कर्तव्य निभाए हम, भय हमको नहीं जमाने का। हम ऐसे गीत रचे हरदम करते जो काम जगाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।